दोस्तों जमशेदपुर शहर में एक गरीब दर्जी आदमी रहता था। उसका सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर बहुत ही बड़ा आदमी बने। इसलिए उसने तय किया, चाहे मेरी स्थिति कैसी भी हो लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। जिसके कारण गरीब दर्जी ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया। फाइनली उस गरीब दर्जी की मेहनत रंग लाई और उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी का CEO बन गया। एक दिन उसका लड़का अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, तभी उसके पिताजी उसे देखने उसके ऑफिस में आए। पिता को देखकर लड़का खड़ा हो गया, लेकिन उसके पिता ने उसे बैठाते हुए उसके पीछे जाकर अपने दोनों हाथों को उसके कंधे पर रखकर बोले, जानते हो बेटा आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? बेटे ने फटाक से कहा कि मैं हूँ पिताजी। पिता को लगा कि उसका बेटा शायद उसका नाम लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण उसके पिताजी मायूस होकर जाने लगे। तभी उन्होंने बेटे से एक बार फिर से पूछा, बेटा दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है? बेटा बोला, आप हो पापा जी। तब उसके पिताजी बोले, अभी कुछ देर पहले तो तुम अपने आप को शक्तिशाली बोल रहे थे। तब बेटा बोला, क्योंकि उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान का हाथ मेरे कंधों पर था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। बेटे की बात सुनकर पिताजी भावुक हो गए और उसे गले से लगा लिया।